मंत्री जीतू पटवारी ने एक और जहां कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को बयानों से बचने की नसीहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर विधायक रमेश मेंदोला ने कुछ अपने ही अंदाज में मंत्री पटवारी पर पलटवार किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अभी बॉस बोल देंगे तो मैं 18 घंटे 24 दिन में ऐसे सरकार गिरा दूंगा। ये मेरे रहमो करम पे सरकार है, हमारे रहमो करम पे सरकार है। एक भाई साहब कहते हैं कि ये लंगड़ी सरकार है, एक भाई साहब कहते हैं कि एक नंबर दो नंबर कह दें तो हम इसी वक्त सरकार गिरा देंगे, फिर एक भाई साहब और अलग अलग सारे भाई साहब इकट्ठे हो रहे हैं और इन भाई साहबों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम बोलें क्या और करें क्या। तो मेरा उन सबसे, उम्र में छोटा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि लोकतंत्र के उस वोट की इज्जत करो। नहीं, इनको अभी नए नए मंत्री बने हैं, इनको सपने देखने की बहुत आदत है, तो सपने देखने अच्छा है, देखें। आपके बयानों ने दो विधायकों को व्यथित करके कांग्रेस के साथ किया। अगर ऐसे ही चलता रहा जिस तरीके से आपकी बयानबाजी चलती है, दिन सारे भाई साहबों को कह रहा हूँ, इंदौर के भाई साहब हो, दतिया के भाई साहब हो, CLP लीडर हो या विदिशा बुधनी के भाई साहब हो, सब भाई साहबों को कह रहा हूं मैं कि आप ऐसे बयान करोगे तो 4-5 विधायक बीजेपी के और व्यथित होकर कांग्रेस को समर्थन दे देंगे। बता दूं, बाद में मत कहना समय पे नहीं बताया। वक्त ही बताया क्या होगा क्या नहीं होगा। ये हमारे सब नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे चर्चा। अगर ऐसा ही करते रहे आप तो बीजेपी के और विधायक भी दुखी होंगे आपके इन वचनों से, और वो बदल जाए तो फिर आप मुझे मत कहना कि सही समय पे मैंने ज्ञान नहीं दिया। वो देखो, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हैं, पर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनकी ऐसी धमकियों से डरेगा नहीं और इनकी जो इन कार्रवाई से डरेगा नहीं, और मुखर होकर वो ताकत से जनता की लड़ाई लड़ेगा और इनके जो चेहरे उनको बेनकाब भी करेगा।